हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ यूर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं आपके डीएससी पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के पास्ट ईयर ओ बी क्वेश्चन पेपर को देखने और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओ बी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्या एक बेसिक थीम रही है क्वेश्चंस को पूछने की मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं एंड सो ऑन सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें अगर आपका भी डी पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये बी ए ऑनर्स पोलिटिकल साइंस फाइनल सेमिस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है काफ़ी हेल्पफुल है स्ट्रो डियर स्टूडेंट्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर ओ बी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डी एस सी पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया डियर स्टूडेंट्स ये है आपका पास्ट ईयर ओ बी क्वेश्चन पेपर ऑन योअर डीएससी पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू प्रिंटेड पेजेस देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको तुरंत सबसे पहले जो काम करना है वो करना है आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर ध्यान से मैंशन कर लेना है देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच इज यूनिक पेपर कोड इस सब्जेक्ट का जो यूनिक पेपर कोड है वो है वन टू थ्री टू सेवन नाइन जीरो थ्री देन नेम ऑफ द कोर्स की अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम का अगर नाम की हम बात करें तो बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है देन टाइटल ऑफ द पेपर की या फिर नेम ऑफ़ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया डी एस सी ये पेपर है अगर हम सेमेस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो देखिए ये फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है जैसे कि आपको पता होगा कि एक डी लिस्ट आपको दी जाती है जिनमें से जिनमें से आपको एनी टू पेपर जो हैं सेलेक्ट करने होते हैं अपने सेमिस्टर फिफ्थ के लिए एंड रिमेनिंग टू जो सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज करने होते हैं अपने सिकस्थ सेमेस्टर के डी पेपर के लिए सो डियर स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो देखिए फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का ये डी पेपर भी आप इसको कह सकते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स जो बेसिकली ये फाइनल ईयर का ये ओ बी क्वेश्चन पेपर है अगर हम टाइमिंग की बात करें जैसे कि आपको पता है कि ओ बी फॉर्मेट में जब आपके एग्जामिशन कंडक्ट होते हैं तो आपको थ्री प्लस वन आर का क्राइटेरिया दिया जाता है जिसमें आपको थ्री आर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट हैं जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट हैं उनको सबमिट करने के लिए आपको एडिशनल वन आर आपको दिया जाता है सो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको थ्री आर्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए एंड जो एडिशनल वन आर आपको दिया गया है वो दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी पी डी एफ है जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उनको पोर्टल पर केयरफुली तरीके से अपलोड करने के लिए सो so, इस प्रकार आपके पास टोटल फोर आवर्स होते हैं ओ बी फॉर्मेट में जब आप एग्जामिनेशनस को देते हैं ठीक है इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन हैं जहाँ पर आपको थर्टी मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जैसे कि आपका एग्जामिनेशन जो है नौ से बारह बजे तक होता है तो वो एग्जामिनेशन जो है नौ बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक होगा ठीक है अगर हम मैक्स अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है ऑफलाइन एग्जामेशन में भी ऑब्वियसली ये थर्टी ये सेवेंटी फाइव मार्क्स का ही एग्जामिनेशन आने वाला है ठीक है मार्किंग स्कीम में किसी भी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ, देखने को आपको जरूर मिल सकता है तो देखिए नॉट यहाँ पर गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को स्टूडेंट्स को फॉलो करना है इसमें नॉट में सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है या फिर आपने इस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो ये बात यहाँ पर मैटर नहीं करती है ठीक है जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, उस मीडियम में आप इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं यानी कि उस मीडियम में आप क्वेश्चंस के आंसर जो हैं दे सकते हैं चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर आपको यूज़ करना है अगर आपने किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में करा तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको हिंदी मीडियम ही ही करने होंगे अगर आपने किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में करा तो बाकी के क्वेश्चन के भी आंसर्स आपको इंग्लिश मीडियम में ही करने होंगे सो so, इस प्रकार कैंडिडेट्स आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है फॉलो करना है थ्रू आउट पेपर देन अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो आप बेस्ट वे से आते हैं ठीक है जो आप बेहतर तरीके से आते हों जिन्हें आप बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकें रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही आपको क्वेश्चन करने हैं ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स सभी के सभी क्वेश्चन के जो अंक हैं जो मार्क्स हैं वो समान हैं ठीक है देन स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन किस प्रकार का पूछा गया है आपको बता दें कि आपको एटलीस्ट लीस्ट दो से तीन बार हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना है जानना है कि, कि किस प्रकार का क्वेश्चन है किस थीम में से पूछा गया है इसमें क्या आपको लिखना है क्योंकि अगर कुछ अगर आप देखें कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं तो उनमें एक हाईलाइटिंग वर्ड जो है जो की है वो हिडन होता है तो वही आपको पहचानना होता है तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को लगभग दो से तीन बार अवश्य पढ़ें ठीक है लगभग एक वा क्वेश्चन को पढ़ने में बीस सेकंड का टाइम लगता है तो सिक्सटी सेकंड आप हर एक क्वेश्चन के लिए जरूर दें ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है ई नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ओवर द लास्ट थ्री डिकेट्स पिछले तीन दशकों में जो लास्ट थ्री डिकेट्स हैं उसमें भारत में नियोजन की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए देखिए आपको इवेल्यूएट करना है ठीक है मूल्यांकन करना है नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया जो इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है उसका नेचर क्या है ठीक है लास्ट थ्री डिकेट्स के साथ आपको इसको डिस्कस करना है एक्सप्लेन करना है जो पिछले तीन दशक हैं जो लास्ट थ्री डिकेट्स हैं उसमें जो इंडिया है उसमें जो प्लानिंग की जो नेचर है वो आपको इवेल्यूट करनी है ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्रिटिकली एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट डेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज़ लीड टू इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्या कहा जा रहा है ये समझें द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज़ लीड टू इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण भारत में श्रमिकों का अनौपचारिकीकरण हुआ है देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में जो वर्कर्स हैं उनका इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है ये स्टेटमेंट है ठीक है तो आपको इसकी क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए बेसिकली जिसमें हाईलाइट जो वर्ड है वो आपको पहचानते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है इसमें बेसिकली आपको ग्लोबलाइजेशन प्रेस जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करनी है क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है वर्कर्स पर ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिफाइन करना है द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड मेक एन असेसमेंट ऑफ द स्प्रेड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है किस प्रकार स्प्रेड हुआ है इसका एक आपको असेसमेंट जो है तैयार करना है भारत में हरित क्रांति यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका किस प्रकार प्रसार हुआ है क्या उसका प्रभाव पड़ा है यह आपको आकलन करना है बेसिकली इसके अंदर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को बेहतर तरीके से क्या उसके ए, जो, क्या उसके इम्पैक्ट हैं यानी कि क्या उसके प्रभाव हैं किस प्रकार स्प्रेड हुआ है किस प्रकार ये फैला है किस प्रकार स्कोप जो इसका है वो फैला है ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है बताना है एक असेसमेंट आपको प्रिपेयर करना है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया दैन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर एनालाइज डिफरेंट फॉर्म्स एंड मेजर इश्यूज़ ऑफ़ द विमेंस मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद यानी कि फ्रीडम के बाद इंडिपेंडेंस के बाद भारत में महिलाओं के आंदोलन के विभिन्न रूपों और प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करना है देखिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो विमेंस मूवमेंट्स हुए हैं ठीक है जो डिफरेंट फॉर्म्स में हुए हैं एंड मेजर इश्यूज़ के साथ हुए हैं वो बेसिकली आपको उसके अंदर डिस्क्राइब करने हैं भारत में महिलाओं के आंदोलन के जो विमेंस मूवमेंट हैं ठीक है उसके जो विभिन्न रूप हैं जो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं ठीक है एंड जो उनकी प्रमुख मुद्दे हैं वो आपको डिस्कस करने हैं डिस्क्राइब करने हैं द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस द इश्यूज़ इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स अगेंस्ट एलियनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत में कंटेम्प्रेरी इंडिया में आदिवासी भूमि के अलगाव के खिलाफ आंदोलनों में शामिल मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो ट्राइबल का एलिनेशन हुआ है वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है कंटे कंटेम्प्रेरी इंडिया में किस प्रकार हुआ है ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है ठीक है तो समकालीन भारत में यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में आदिवासी भूमि के अलगाव जो एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड है उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं आंदोलन में शामिल जो मुद्दे हैं वो आपको चर्चा करनी है ठीक है है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया भारत में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास का अनुरेखण कीजिए देखिए आप हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो हुआ है सिविल लिबर्टीज़ का एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स का भारत के अंदर वो बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है एक्सप्लेन करना है सो so, ये छः क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर वो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं जिनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन जो आप बेस्ट वे से आते हों जिनको आप बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने थे ठीक है उनको आपको आंसर करना था देन स्टूडेंट्स अगर हम ऑफलाइन एग्जामिशन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो एट होंगे जिनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा आठवां जो क्वेश्चन है वो नॉट बेस्ड होता है बेसिकली जिनमें आपको फोर ऑप्शन दिए जाते हैं एंड बेसिकली किन्हीं दो पर आपको नॉट्स जो so है शॉर्ट नॉट्स जो है वो लिखना होता है सो so, देखने को इस प्रकार के ऑफलाइन एग्जामेशन में मिला है कि आठ में से आपको कोई चार क्वेश्चंस के जवाब जो हैं लिखने होते हैं एंड इस बार आपको काफ़ी चॉइसेस भी दी जाएंगी इस बार कुछ अलग ही पैटर्न होने जा रहा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन का सो so, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार डी पेपर में आते हैं क्या एक बेसिक पैटर्न होने वाला है क्वेश्चन पेपर का सो डियर स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास कीजिए इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे किसी भी प्रकार का वीडियो किसी भी प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो एंड आप चैनल से जुड़े रहें एंड डियर स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आप स्टडी मेटेल को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज हैं जो भी आपके डाउट्स हैं वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर पोस्ट कर सकते हैं हाँ तो हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का आपके डाउट्स को क्लियर करने का सो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन मैं आपसे कहूँगा वीडियो को लाइक like करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टे स्टेन्डोर्स एंड गुड विशेज फॉर योर सेमिस्टर एग्जामिनेशंस